ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एस एम याशिन ने कहा कि जब इंसाफ नहीं हो रहा है तो सड़क पर आने वाले हालात बन सकते हैं, लेकिन वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम क्षण और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित 1991 के लॉर्ड विश्वेश्वर के केस में हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं के खारिज हो जाने के बाद एस एम याशिन ने आगे कहा कि अब इस फैसले के बाद उनकी पीठ दीवार से लग चुकी है, वे अब पीछे नहीं हट सकते। यासिन ने कहा कि मस्जिद को आसानी से तश्तरी में सजा कर तो देंगे नहीं, अब जब इंसाफ नहीं हो रहा है तो सड़क पर आने वाले हालात बन सकते हैं, लेकिन वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम क्षण और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर यासिन ने कहा कि उनके लिए सभी दरवाजे अभी खुले हुए हैं, कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा यासिन ने बाबरी मस्जिद का फिर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत होनी कार्रवाई चाहिए थी, वही काम यहाँ भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।